नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। इस बार का राज्यसभा उपचुनाव कई मायने में काफी दिलचस्प होने वाला है। दो दो इंटरेस्टिंग फैक्टर हम सबके सामने हैं। पहला कि इस बार होने वाला राज्यसभा उपचुनाव चिराग पासवान के लिए अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि खुद को वो मोदी का हनुमान बताते हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसकी ठीक आमने और सामने चिराग पासवान होंगे। ऐसे में चिराग पासवान किस तरीके से टक्कर देंगे ये भी दिलचस्प है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि नीतीश कुमार की भी अग्नि परीक्षा, वो इसलिए क्योंकि वो अपने दोस्त सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भिजवाने में मदद करते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन किसको लेकर दाव चल रही है ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प है। और तेजस्वी यादव क्या चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब सबको चिराग पासवान और महागठबंधन पर टिका हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर भी निगाहें हैं कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। क्या चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए तेजस्वी मन बना चुके हैं और फुल सपोर्ट चिराग पासवान को करते हैं ये देखना होगा। पटना से चली हलचल पर दिल्ली में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को मां रीना पासवान को राज्यसभा चुनाव में उतारने का फैसला लेना है। चिराग का ये निर्णय उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान होने की पहली अग्नि परीक्षा से गुजारेगा। दूसरी अग्नि परीक्षा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी कि वो अपने मित्र बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा में जितवाकर भिजवाएं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे उन्हें मंजूर होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर खाने में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। राजद के नेता मान रहे हैं कि ये तो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक समीकरण पर भी फिट बैठेगा। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि एनडीए के साथ लोजपा की बनी सहमति के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट लोजपा के खाते में जानी चाहिए। चिराग पासवान ने इस सीट पर अपनी मां रीना पासवान को प्रत्याशी बनाने का बीजेपी के शीर्ष नेताओं के पास संदेश भी भिजवाया था, लेकिन बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में जब बिहार में लोजपा एनडीए से अलग है तो फिर चिराग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चिराग अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं, इसलिए देखना है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। सबसे दिलचस्प है तेजस्वी का अपने राजनीतिक बड़े भाई चिराग से तालमेल। चिराग के करीबी सूत्र बताते हैं कि दोनों में लगातार संवाद की स्थिति रहती है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और नीतीश कुमार ने आपा खोया, उससे चिराग पासवान के दिल को काफी ठंडक पहुंची है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी के इस कदम का चिराग ने मौन समर्थन किया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसके बाद दोनों में फोन पर बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति सामाजिक समीकरण के लिहाज से एक बार फिर पैतरा बदलने के मूड में नजर आ रही है। बीजेपी जहां पिछड़े समाज से दो नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर अपने सामाजिक समीकरण का संदेश दिया, वहीं आरजेडी के नेता भी भविष्य की राजनीति को लेकर सावधान नजर आ रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयम खोने को अपनी भड़ास बता रहे हैं। इसके पीछे का आधार नीतीश कुमार की चिराग से बड़ी चिढ़ और बीजेपी से चिराग को नसीहत मिलने के बजाय मिला प्रश्रय बताया जा रहा है। आरजेडी के नेता इसे बीजेपी के भविष्य के रोडमैप और नीतीश की राजनीति के अवसान के रूप में देख रहे हैं, इसलिए आरजेडी अब नीतीश कुमार को निशाने पर रखकर उनके राजनीतिक वोट बैंक में सिंधमारी की तरफ बढ़ रहा है। चिराग के साथ रिश्तों का तालमेल भी इसी दिशा में माना जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सदन में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर जोरदार प्रहार किया और नीतीश कुमार ने अपना आपा खोया और तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, तो इससे चिराग के दिल को ठंडक पहुंची है, यानी कि चिराग काफ़ी संतुष्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस सियासत में जो बदलाव आया उससे ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की दोस्ती बढ़ती जा रही है। महागठबंधन के नेताओं ने तो पहले से ही मान लिया कि वो राज्यसभा के लिए एलजेपी का सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की रणनीति चिराग पासवान को खूब भा रही है। नमस्कार।